अस्सलामु अलैकुम जी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ विद कमल। अच्छा जी, गेट रेडी विद मी करने का मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि मैं आप लोगों को मेकअप सिखा रही हूँ। आजकल सबको बहुत अच्छे से मेकअप आता है। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं किस तरह से तैयार होती हूँ, मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी, आज ये वाला सूट मैं पहन रही हूँ। पहले भी एक वीडियो में पहना हुआ है तो, लेकिन मैंने इस सूट के साथ जो है ना मेकअप ट्राई नहीं की थी, तब सिंपल ही था, तो ये वाला सूट ही मैंने सेलेक्ट किया। और इसका जो दुपट्टा है ना, वो बहुत ही कोई खूबसूरत दुपट्टा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने आंखों में लेंस वगैरह जो है ना वो लगा लिए हैं, और इसके बाद जो है चेहरा भी वॉश कर लिया है। और अब मैं बैठी हूँ मेकअप करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि वाइप्स लेकर अपने चेहरे पे जो भी एक्स्ट्रा कुछ भी लगा हुआ है, क्योंकि कुछ देर पहले लाइनर वगैरह जो था ना वो मैंने ट्राई करा था, तो उसको जो है ना मैं अच्छे से पहले साफ़ कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा था। और इस तरह से वाइप को मैं लगा कर चेहरे से जो भी गंद कचरा होता है वाइप की मदद से मैं क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जो भी पहले का गंदगी हो, कचरा हो, मेकअप ही होता है मोस्टली, तो वो साफ़ हो जाता है। ओके जी, आज मैं अपना लुक क्रिएट करने वाली हूँ डर्माकोल मेकअप कवर के साथ। बहुत ही बेहतरीन कोई प्रोडक्ट है ये। पाकिस्तानी पैसों में इसकी प्राइस 187 रुपीज़ है। इसको मैंने थोड़ा सा ट्राई करा है, ये देखने आप अंदर से कुछ लुक लाइक ये इस तरह का लगता है। बहुत अच्छा है, बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है। अच्छा, मैं इसको जो अपनी चेहरे पे अप्लाई करने से पहले जो है ना, इस पर मैंने जो है वो प्राइमर और एक डी क्रीम भी इसमें मैंने ऐड करी है। उसका रीज़न ये है कि मैंने इसको जब अकेले लगाया था तो ये थोड़ा सा जो ना ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो फिर मैंने यही तरीका निकाला कि इसमें प्राइमर, एक डे क्रीम, मैं यहाँ पे ब्राइडो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी डे क्रीम हो, फेयर एंड लवली भी हो सकती है, आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो, या कोई किसी और कंपनी की। और इसमें आप टिंट मिला दें, जो भी टिंट आपके पास अवेलेबल हो, या कोई भी आई शेडो का जो शेड होता है ना वो आप इसमें ऐड करके फिर इसके जो है ना बेस बना के चेहरे पर लगाएँ। बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी, और अगर ऑक्सीडाइज होगी तो वो पिंक हो जाएगी, वो ब्लैक की तरह जो है ना ऑक्सीडाइज जो है वो नहीं होगी। अच्छा, सर्दियाँ हैं तो पीछे से आवाज़ें वगैरह आए तो उसको आप अवॉइड कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है ना, मैंने इसको ब्रश की हेल्प से अपने चेहरे पे जो है ना अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इतनी जल्दी जल्दी नहीं किया था ये, तो मेरे वीडियो को थोड़ा जो है ना तेज कर रखा है। ओके जी, आप देख सकते हैं कितना नेचुरल लगता है, और आजकल सबको जो है ना नेचुरल मेकअप ही बहुत ज़्यादा पसंद है। हर कोई ऐसे चाहते हैं कि यार नो मेकअप लुक हो, यानी कि इस तरह से मेकअप किया हुआ हो कि लगे ही ना कि यार मेकअप किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने डर्माकोल के ही मेकअप कवर से थोड़ा सा जो है हाईलाइट एरियाज पे लगा के थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा लेकर स्पंज की मदद से जो है ना कंसील कर लिया था। बहुत ही अच्छे तरीके से ये बेस खुद भी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, फौरन ब्लेंड हो जाती है। रिजल्ट्स इसके ज़बरदस्त किस्म के हैं, मेरी तरफ से तो रेकमेंडेड है, बहुत ही अच्छा है। हाथों पे और चेहरे पे आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं। मैंने इसको जो है उसके बाद थोड़ा सा जो है पाउडर की हेल्प से सेट किया, आई मेकअप कर लिया। मैंने ग्रीन और कॉपर कलर का जो है मिक्स करके कॉम्बो आँखों पे लगा लिया था, ताकि जो सूट के हिसाब से भी थोड़ा सा खिलखियाँ आए, और थोड़ा सा मुझे ब्लैक की आईज़ चाहिए थी लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद मैं स्रोस का लाइनर ले लिया, स्टैम्प लाइनर, उसकी हेल्प से जो है मैंने अपना लाइनर क्रिएट कर लिया। वैसे तो मुझे जो सिंपल लाइनर है उसे लगाना इजी लगता है, लेकिन ये था तो मैंने कहा कि चलो इसको ही ट्राई कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने अपने आँखों में काजल पहन दिया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि काजल के सिवाय मेरी आँखें जो है ना वो सही नहीं लगती। तो फिर मैंने आई शेडो पैलेट से वही क्रीम कलर लिया, आँखों के नीचे लगा लिया, हाइलाइटर लेकर ब्रो बॉन को जो है मैंने हाईलाइट कर लिया। थोड़ा सा हाइलाइटर लगाकर जो है ना मैंने अपनी चीक्स पे भी लगाया था, लेकिन इतना ज़्यादा कोई नहीं लगाया था, हल्का फुल्का सा ही हाइलाइटर लगाया था, बहुत ही हल्का सा, ताकि थोड़ी सी हाईलाइट हो। इतनी गहरा हाईलाइटर मुझे नहीं पसंद, वैसे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन मुझे इतना कोई ज़्यादा नहीं पसंद, तो फिर हल्का फुल्का सा ही इसको जो है मैंने हाईलाइट कर दिया जी। ओके जी, ये देख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्रिस्टीन के मस्कारा से जो है ना अपनी आँखों, सॉरी पलकों को मस्कारा लगा लिया। क्रिस्टीन की ही ये लिप शेड मेरे पास अवेलेबल थी, कौन सा है ये लिप शेड मुझे अभी याद नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था और मैंने लगा लिया। तो ये रही मेरी फुल मेकअप लुक। आप जो है ना बेस को देख सकते हैं, ड्रामाकोल की जो फाउंडेशन है उसका आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत रिजल्ट है। और ये बाल खोल के एक सुस्त सा हेयर स्टाइल करके हम रेडी हो चुके हैं, और मुझे जो है ना बहुत कूल लगा इसका बेस, और बहुत ही अच्छे से जो चीज़ ब्लेंड हो जाती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसमें मेहनत ना करनी पड़े। तो ये था हमारा फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्रिप्शन और लाइक से जो है ना थोड़ी सी बूस्ट मिलती है। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।